हेलो नमस्कार, कैसे हो आप? आज आप देख रहे हैं क्लास 10 मैथ चित्रा प्रकाशन एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर एक नहीं दो नहीं मित्रों सभी यानी कि ऑल चैप्टर करते हैं। ऑल चैप्टर पहले हम प्रश्नावली 5.1 हल कर देते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्यों कह रहा देखिए एक बार, ठीक है। मैं भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा निम्न में प्रत्येक अनुक्रम के पहले चार पद लिखिए जबकि उनका एन व पद ए एन दिया है, ठीक है। इनका क्या कह रहा, अनुक्रम श्रेणी के पहले चार पद लिखिए, क्या पहले चार पद लिखिए जबकि उनका एन व पद ए एन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया जो क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। पहले का पहला खंड देखिए, तो पहले का आंसर, तो मित्रों कितने पद निकलवा रहा, पहले चार पद निकलवा रहा है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ से सॉल्व डाल दिया, देखिए सॉल्व, ठीक है मित्रों। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी नहीं लगे तो मित्रों चैनल को डिस सब्सक्राइब करके यानी अनसब्सक्राइब करके चला जाना, ठीक है ना। वीडियो को भी डिलीट कर देना मित्रों, यदि आपको मजा ना आए, एक चीज समझ में न आए तो मित्रों, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे कितने पद कह रहा है, चार पद निकलवा रहा, कितने निकलवा रहा मित्रों, प्रश्न को ध्यान पूर्वक, पहले चार पद निकलवा रहा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सर्वप्रथम एन बराबर एक रखने पर, ठीक है, चार रखने मित्रों, एक दो तीन चार, ठीक है। तो पहले इसमें एन के स्थान पर जहां भी तुम्हें एन दिखाई दे रहा है वहां पर कितना रखना, एक रखना, ठीक है। मैंने एक रख दिया और यहाँ पे कितना तीन गुणा, यहाँ पे कितना एन के स्थान पर एक और प्लस के यहाँ पे दो, ठीक है। और यहाँ पर तीन ही कहना तीन हो जाएगा क्योंकि गुणा मित्रों, जहां भी तुम्हें एन दिखाई दे रहा है पहले दो रखेंगे, फिर तीन रखेंगे, फिर चार रखेंगे, फिर ठीक है चार तक रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्वप्रथम मैंने क्या लिखा, एन बराबर एक रखने पर, तो मैं एन के स्थान पर हम क्या रख देंगे, एक रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस बारे में मैंने एन के स्थान पर एक रख दिया, ठीक है। तो तीन प्लस के दो, तो एक तरफ जाएंगे तुम्हारा पांच हो गया। तो यहाँ पर ए वन का मान कितना आएगा, पांच, ठीक है। इसी प्रकार से एन बराबर दो रखने पर, ठीक है, अब एन बराबर दो रखने पर, तो देखिए यहाँ पर ए दो बराबर, यहाँ पर भी एन ए ऐसा कभी छप दिया मैंने, एक एन के स्थान पर दो रख दिया, और यहाँ पर तीन गुणा कितना दो और प्लस के कितना दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एन के स्थान पर दो रख दिया मैंने, तीन दूनी कितना जाएगा छह और प्लस के दो, तो कितना जाएगा तुम्हारा आठ, ए दो बराबर कितना आएगा तुम्हारा आठ आएगा, ठीक है ना। पुनः एन बराबर कितना तीन रखने पर, ठीक है, पुनः की या कुछ भी कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट ही करते चले जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ए तीन बराबर, यहाँ पर तीन गुणा तीन प्लस के दो, तीन गुणा तीन क्योंकि तीन तो यह है ही तुम्हारा, और इसके स्थान पर एन के स्थान पर कितना रखते तीन, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीन तीन नौ और प्लस के दो तो कितना हो गया ग्यारह हो जाएंगे, ठीक है, ए तीन बराबर हो जाएगी ग्यारह, ठीक है। कितने पद निकलवा रहा था हमसे, ये चार पद, पहले तीन कितने निकलवा रहा मतलब पहले चार पद निकलवा रहा, ठीक है, दो निकल चुके हैं। अब देखिए ए एन बराबर, यहाँ पर भी ए चार बराबर, एन बराबर चार रखने पर, ठीक है, एन बराबर चार रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीन गुणा कितना चार और प्लस के दो, ठीक है, चार तीन बारह प्लस के दो कितने हो जाएंगे चौदह हो जाएंगे, ठीक है ना, ए चार बराबर, ठीक है। इन सबको एक जगह रख देंगे, ए वन कोमा ए टू कोमा ए थ्री कोमा ए चार बराबर जो माने यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए तो यहाँ पर देखिए ए ए वन का मान कितना आया, ए वन का मान आएगा तुम्हारा पांच कोमा, ए दो का आया तुम्हारा आठ कोमा, और ए तीन का आया तुम्हारा ग्यारह। अब इसका मान कितना आया, ए चार का मान कितना आया चौदह, ये इसके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए दूसरा खंड तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही करेंगे। देखिए मान रख देता हूँ सर्वप्रथम यानी कि सर्वप्रथम ए सॉरी एन बराबर का एक रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर ए एक बराबर एक और एक माइनस के दो बटे कितना दो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर एक गुणा यहाँ से कितना बच गया, जब दो में से मैं एक घटाऊंगा तो एक बच जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का एक और बटे नीचे से दो, तो जब दो की गुणा एक की गुणा एक से करूंगा तो माइनस का एक, ठीक है, एक ही आ जाएगा और बटे नीचे से दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा एक बटे दो आंसर ही आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से एन बराबर कितना रखने पर दो रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो यहाँ पर ए दो बराबर कितना दो और दो माइनस के दो बटे कितना दो, तो यहाँ पर कितना जाएगा दो गुणा जीरो और बटे कितना दो बराबर कितना जाएगा जीरो, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ए तीन बराबर कितना तीन रखने पर, यहाँ पर एन बराबर तीन रखने पर, ठीक है, एन बराबर क्या रखने पर तीन रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर एन के स्थान पर क्या रख देना तीन, और यहाँ पर फिर देखिए तो यहाँ पर देखिए ए तीन बराबर यहाँ पर तीन कोमा तीन माइनस के दो बटे कितना, यहाँ से नीचे देखिए दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एन के स्थान पर इसे मैं बार बार क्या रख रहा हूँ मित्रों
तीन रख रहा हूँ, बार बार एक दो तीन चार रख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तीन, तीन गुणा यहाँ पर देखिए एक बच जाएगा और नीचे से कितना दो, ठीक है, तो जाएगा तुम्हारा तीन बटे दो आंसर है, ठीक है ना। एन बराबर देखिए पुनः एन बराबर कितना रखने पर, चार रखने पर, ठीक है। तो मैंने ए चार बराबर कितना चार, और यहाँ पर चार माइनस के दो बटे कितना से नीचे से, यहाँ पर चार और यहाँ पर कितना गुणा, यहाँ पर चार में से जब दो जाएंगे तो कितना बचेंगे दो बटे नीचे दो, जैसे दो से दो गया तो कितना आएगा चार, ठीक है। यहाँ पर आते हैं डाल करके ए वन कोमा ए टू बराबर सब कुछ मान रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मान रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आंसर आ गए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे सब कुछ देख करके लिख दिए, ठीक है, जैसे पहले पहले क्वेश्चन में ये लिखे थे एक जगह, ऐसे मैंने एकत्रित एक जगह यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए मित्रों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा खंड हो जाएगा इसका, ठीक है। सर्वप्रथम है एक रखने पर, ठीक है, तो ए एक बराबर माइनस का एक गुणा इसके एन के स्थान कितना एक, और यहाँ पर इंटू दो गुणा दो की पावर कितना एक, ठीक है। तो यहाँ पर कितना माइनस का एक की पावर एक आ जाएगा और गुणा यहाँ पर कितना दो की पावर एक का मतलब एक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के दो ही आएगा, ठीक है ना। अब एन बराबर कितना दो रखने पर, एन बराबर दो रखने पर, तो यहाँ पर देखिए ए दो बराबर, तो यहाँ पर माइनस का एक की पावर कितनी दो, और यहाँ पर इंटू दो की पावर कितनी दो, ठीक है। क्योंकि मैंने जहां भी एन दिखाई दे रहा मुझे सब में आंख मीच के मैंने दो रख दिया, पहले एक रखा फिर दो रखा फिर तीन रखूंगा चार रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस का एक की पावर कितनी, जिसे दो जगह लिख लेंगे, देखिए गुणा दो जगह लिख दिया मैंने, दो जगह लिख दिया, ठीक है ना। और इसे इतने इसे कितनी जगह लिख दूंगा मैं, दो जगह, तो दो गुणा दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और एक करना एक, और दो दुनी चार हो जाएगा, और ये चार करना चार, ठीक है। अब एक इसी प्रकार से ए बराबर देखिए कितना तीन रख दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, ए बराबर कितना तीन रख दूंगा, तो यहाँ पर ए तीन माइनस, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस का एक की पावर तीन, और यहाँ पर इंटू दो की पावर तीन, तो देखिए मैं इसे तीन जगह लिखूंगा, जब भी वही माइनस का एक आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए माइनस का एक गुणा माइनस का एक गुणा माइनस का एक, तो एक का ना एक ना एक आ जाएगा और वो भी माइनस का रहेगा चिन्ह, ठीक है ना। फिर इसके बाद में फिर क्या करेंगे बताइए, यहाँ से देखिए फिर इसे मैं तीन जगह लिख दूंगा यहाँ पर गुणा, इसे मैं कितनी जगह तीन जगह, तो दो गुणा दो गुणा दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो दून चार दून आठ, तो यहाँ पर माइनस का आठ आ गया। इसी प्रकार से ए चार बराबर देखिए यहाँ पर माइनस एक की पावर चार हो जाएगा इंटू दो की पावर कितना चार हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए माइनस का यहाँ पर जिसे चार जगह जब मैं लिखूंगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस का एक गुणा माइनस का एक गुणा माइनस का एक गुणा माइनस का एक, ठीक है। इसे मैं चार जगह लिखूंगा, यानी कि दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह हो जाएगा। यहाँ मैं चलो लिख देता हूँ दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो दूनी चार हो जाएगा, सॉरी एक करना एक करना एक, तो एक आएगा ये, तो ये तो कितना आ जाएगा तुम्हारा एक आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही सेम बताइए फिर क्या करेंगे हम, यहाँ से दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, तो यहाँ कितना जाएगा तुम्हारा सोलह, बराबर कितना जाएगा सोलह ही आ जाएगा, ठीक है। ए चार बराबर कितना आ जाएगा सोलह, आते हैं सब कुछ के मान देखिए, ए वन का मान तुम्हारा ये आ चुका है, ए टू का मान तुम्हारा हो जाएगा, ए टू का मान हो जाएगा तुम्हारा ये, ए थ्री का मान हो जाएगा, ए थ्री का हो जाएगा तुम्हारा ये, और ए फोर का हो जाएगा तुम्हारा ये, मान एक जगह पुट कर देंगे, ठीक है। ऐसे सेम चौथा खंड पहले का, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहले का चौथा खंड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ से मैंने लिख दिया सर्वप्रथम एन बराबर एक रखने पर, ठीक है। तो एन के स्थान पर यहाँ पे देखिए, तो ए एन के स्थान पर एक रख दिया, बराबर यहाँ पे दो गुणा एन के स्थान पर क्या बताया तुमने एक बताया था, ठीक है। तो मैंने एक रख दिया और ऊपर घात इसकी कितनी है दो, तो दो रख दिया, माइनस के तीन गुणा कितना एक, और प्लस के यहाँ पे एक, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाएगा दो गुणा, तो इसे एक ही जाएगा कितनी बार भी लिख लो, ठीक है। और माइनस के तीन का ना तीन और प्लस का एक, ठीक है, यहाँ पर दो, और यहाँ से बताइए यहाँ से माइनस के दो, ठीक है, क्योंकि तीन में से एक गया दो बच जाएंगे, तो यहाँ पर जीरो बच जाएगी, क्योंकि दो में से दो गए जीरो, ठीक है। समझ में आया नहीं, जहाँ पर मैं एन दिखाई दे रहा है एन के स्थान पर मैंने एक रख दिया, ठीक है। जहाँ भी मुझे एन दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैंने एन के स्थान पर क्या रख दिया, एक रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो इसे दो जगह लिख लेंगे तब भी बात हो जाएगी, क्योंकि एक की गुणा कितनी भी बार हजार बार कर लीजिए आप, यहाँ से लेकर मुंबई तक दिल्ली तक कहीं तक लिख लीजिए, जब भी एक ही आएगा, ठीक है। तो एक ही करना यहाँ पर जब भी एक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने दो की गुणा इसे कर ली दो, और यहाँ पर देखिए यहाँ तीन की गुणा ऐसे कर तीन का तीन आएगा, यहाँ पर तीन में से जब एक जाएगा तो दो बच जाएंगे माइनस के, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए वन का मान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए फिर क्या करेंगे हम, यहाँ से एन बराबर तो ना दो रखने पर, ठीक है, इस एन के स्थान पर क्या रख देंगे दो रख देंगे, ठीक है, बराबर दो दो, और गुणा यहाँ पर कितना एन के स्थान पर हमने दो रख दिया, और ऊपर घात कितनी है ऊपर से है, ऊपर घात कितनी है दो है, ऊपर घात कितनी थी इसमें दो थी, ठीक है, और माइनस के तीन गुणा कितना दो, और प्लस के एक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो गुणा यहाँ पर दो जगह लिखवा रहा है, दो गुणा दो में दो जगह कर दिया, माइनस के तीन दिन कितना जाएगा ये छः, अब प्लस का एक, ठीक है, और यहाँ से इतना हो गया ये। अब यहाँ पर देखिए दो दिन चार दिन आठ, और यहाँ पर माइनस के कितने बचे पाँच, क्योंकि छः में से जब एक गया तो पाँच बच जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा बताइए, यहाँ से बच जाएगा तुम्हारा तीन बच गया, ए दो बराबर तीन आ चुका है अपना। ऐसे ही तुम्हारा ए
यानी कि एन बराबर क्या रखने पर, तीन रखने पर, ठीक है। एन बराबर हम क्या रख लेंगे आपका, तीन रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए तीन और दो गुणा एन के स्थान कितना रखेंगे हम, तीन रखेंगे। तो यहाँ पर कितना, तीन रख दिया, पावर पर दो है तो दो रख दिया मैंने, माइनस के तीन और यहाँ पर गुणा कितना, एन के स्थान पर हम तीन रख रहे हैं तो यहाँ पर कितना जाएगा, तीन गुणा तीन हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का एक, तो यहाँ से दो गुणा, फिर से तीन जगह लिख दूंगा मैं, तीन गुणा तीन, दो जगह लिख दिया मैंने यहाँ से। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस के तीन किया नौ और प्लस का एक, यहाँ से देखिए तीन दून छः और छः थी अठारह, और यहाँ से नौ में से जब एक गया तो यहाँ से बच जाएगा माइनस का आठ, यहाँ पर जब अठारह में से आठ गया तो दस बचेंगे। तो ए तीन का मान जाएगा आपका एन बराबर चार रखने पर। तो मित्रों ए चार का मान आप स्वयं को, आपको स्वयं निकालना है, ठीक है। ए चार का मान स्वयं निकालना, ठीक है। जिस तरीके से मैंने निकाला वहाँ पर आप स्वयं निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, निम्न अनुक्रमों में से दर्शाइए कि, दर्शाइए दुकरा निम्न अनुक्रमों में प्रत्येक के दर्शाइए कि, प्रत्येक के दर्शाए गए पद ज्ञात कीजिए, जबकि एन व पद ए एन दिया है, ठीक है। तो ए एन देखिए दूसरे का पहला खंड, दूसरे का पहला खंड क्या है, देखिए ए एन बराबर क्या दे रखा, देखिए इसने, देखिए छाप देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये दे रखा तुम्हारा, ठीक है, ये दिया। और यहाँ पर एक एक चीज और लिख रखी है इन्हें, ए सात और ए आठ, यहाँ पर दे रखा है इन्हें ए सात, ए सात और ए आठ बराबर क्या, बराबर कुछ नहीं, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपके सभी का मान नहीं निकालना, हमें किस किस का निकालना, ए सात का और ए आठ का, ठीक है। मैंने यहाँ पर सॉल्व डाल दिया, देखिए सॉल्व, तो ठीक है। हम एन मैं लिखूंगा एन बराबर सात रखने पर, ठीक है। तो यहाँ भी एन है तुम्हारा, सात रखेंगे फिर एन बराबर आठ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए सात, यहाँ पर मतलब एन के यहाँ पर इस वाले सवाल में जहाँ भी एन है तुम्हें सात रख दूंगा मैं, ठीक है, बराबर। तो यहाँ पर तीन गुणा सात माइनस के दो, ठीक है, बटे चार गुणा यहाँ पर कितना, चार गुणा कितना बताइए, सात और प्लस के चार, ठीक ठीक, क्योंकि मैंने एन के स्थान में क्या रख दिया, मैंने सात रख दिया, और यहाँ पे भी चार वैसे ही है, और यहाँ पे गुणा एन के सात और प्लस के ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर सात या इक्कीस और माइनस का दो, और ऐसे ही तुम्हारा सात सौ अट्ठाईस और प्लस के चार, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, उन्नीस, दो को घटा लिया हमने, यहाँ पे जोड़ देंगे तो बत्तीस हो जाएगा। तो ए सात बराबर एक, तो ये अपना ये आ चुका, ठीक है। इसी प्रकार का ए एन बराबर कितना, आठ रखने पर, ठीक है। यहाँ पर ए आठ बराबर, ठीक है, यहाँ एन के स्थान पर क्या रख देंगे आठ, और तीन गुणा कितना आठ और माइनस के दो, ऐसे ऐसे हम तुम्हारा कितना चार, और यहाँ गुणा कितना आठ और प्लस के चार, ठीक है। तो यहाँ पर आठ या चौबीस और माइनस के दो, ऐसे तुम्हारा आठ चौका बत्तीस प्लस के चार, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बाईस बच जाएगा, बाईस कितना बाईस, और यहाँ से कितने हो गए ये छत्तीस हो जाएगा, ठीक है, ए आठ बराबर, ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बत्तीस और चार कितने होते हैं छत्तीस, ये इसके आंसर है, ठीक है। दूसरा खंड देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर छोटी सी गलती हम कर चुके थे, क्योंकि यहाँ पर पांच है मित्रों, चार नहीं है, तो यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब एक हमें जोड़ूंगा तो तैतीस हो जाएगा, जब हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पांच है ना, बत्तीस और चार पांच हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ कर लेना इसे, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने सवाल में गलती है, यहाँ पर पांच नहीं, पांच है, ठीक है, स्थान में लिखते चाहते हैं, यहाँ पर पांच, यहाँ पर पांच ले जाएंगे, पांच को हम जोड़ोगे अट्ठाईस पांच तैतीस होते हैं, ठीक है, जोड़ लेंगे, ठीक है। दूसरा खंड देखिए, दूसरा खंड क्या है, तो देखिए दूसरे का कौन सा मित्र, दूसरे का तुम्हारा हो जाएगा सेकंड खंड, ठीक है। तो हम एन बराबर देखिए क्या रखा, ए एन वन ए एन टू, और यहाँ पे कितना ये रखवा रहा है मुझसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन चीजों के हम मान निकालेंगे जो इसमें दे रखा, ठीक है, एन ए वन का, ए टू का, ए थ्री का, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा सोल्व, ठीक है, मैं लिख दा एन बराबर एक रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर ए वन एन के स्थान पर मैंने एक रख दिया, और यहाँ पे ब्रैकेट वैसे ही है, एन के स्थान पर एक और माइनस का एक, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दो माइनस के एक, क्योंकि एन के स्थान पर एक रख दिया मैंने, ऐसे ब्रैकेट एन के स्थान, देखिए यहाँ पर तीन है, ये एन के स्थान पर तीन, तीन के स्थान पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है, इससे यहाँ पर तीन, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा, ये तुम्हारा सवाल है, ठीक है, घर को तो ये तुम्हारा दे रखा है, यहीं से हम निकालते हैं, ठीक है, देख करके, क्योंकि यहाँ पर दो होता तो मैं दो का निकालता, तीन होता तीन का निकालता, मगर यहाँ पर एक दो तीन पहले ही दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक में से एक गया जाएगा जीरो, और यहाँ पर कितना गुणा है, एक बच जाएगा, और यहाँ पर गुणा कितना चार हो जाएगा, ठीक है। जब इसी गुणा इसमें करोगे तो ए वन बराबर आएगा, सब जीरो बन जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से एन बराबर कितना रखने पर, आप कितना रखेंगे ए दो, यहाँ पे एन बराबर दो रखने पर, यहाँ पे एन बराबर दो रख देंगे आपका, यहाँ पर देखिए ए दो बराबर, तो यहाँ पर कितना दो माइनस का एक, ठीक है, ऐसे तुम्हारा दो माइनस के दो, ठीक है। और यहाँ प्लस नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना दो और प्लस के इतना तीन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बच जाएगा यहाँ, तो और यहाँ पर कितना बच जाएगा बताइए जीरो, और यहाँ पर देखिए और यहाँ पर कितना बच जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा पाँच, जैसे जब मैं इसकी गुणा जीरो में करूँगा तो सब जीरो बन
जाएगा, ए दो बराबर जीरो, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दो में से दो का तो जीरो बन जाएगा, ऐसे तुम्हारा एक में से सब जीरो बन जाएगा भी। इसी प्रकार से ए तीन बराबर सॉरी एन बराबर तीन रखने पर कितना, एन बराबर आपका तीन, एन बराबर तीन रखने पर, क्योंकि हमसे ए तीन निकलवा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना ए तीन बराबर, देखिए यहाँ पर तीन रख देंगे, तीन माइनस के एक, और यहाँ पर कितना दो माइनस के तीन, ऐसे ही तुम्हारा देखिए तीन प्लस के तीन, क्योंकि मैंने इस वाले में जहाँ भी तुम्हें एन दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो मैंने सब में क्या तीन बैठा दिया, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा दो, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना बच जाएगा माइनस का एक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तीन और तीन छः, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छः दून कितना होता है छः, दो ही का ना दो और दो छम बारह हो जाएगा माइनस के बारह, ठीक है, ये तीन बराबर, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा खंड दूसरे का तीसरा खंड देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने सॉल्व दिया, ठीक है, मैंने सॉल्व डाल दिया यहाँ तक एन, देखिए यहाँ पर ए एन बराबर एक रखेंगे, फिर पांच रखेंगे, फिर आठ रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं एन के स्थान पर सबसे पहले तीन रख देता हूँ, देखिए तो यहाँ पर एन बराबर इतना तीन रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर ए तीन बराबर माइनस का एक की पावर में तीन इंटू तीन, ठीक है, इंटू मैं ये, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए मैं इसकी गुणा कितनी बार कर लूँ, देखिए मैं तीन जगह पहले लिख देता हूँ, देखिए माइनस का, और यहाँ पर गुणा माइनस का एक, ठीक है, यहाँ भी गुणा होती है तुम्हारे, ठीक है ना, और यहाँ पर इंटू तीन, तो देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, और एक का ना एक का एक आ जाएगा, और गुणा होगा तीन थे और माइनस के तीन आ जाएगा, ठीक है ना, इसी प्रकार से पांच का आपको खुद निकालना, मैं ए आठ का निकाल देता हूँ, ठीक है ना, एन बराबर हम आठ रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर ए आठ बराबर कितना एक की पावर कितना आठ, और यहाँ पर इंटू, और यहाँ पर लिख दूंगा आठ, ठीक है, इसे हम देखिए यहाँ पर मैं आठ जगह लिख दूंगा, माइनस का एक गुणा 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 माइनस का एक, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, और गुणा यहाँ पर माइनस का एक, ठीक है, और गुणा यहाँ पर कितना आठ, तो देखिए यहाँ पर एक माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस का एक आ जाएगा, एक कने कितनी बार गुणा कर लो एक आ जाएगा, और गुणा यह तुम्हारा कितना जाएगा आठ, अगर आठ का ना तुम्हारा आठ आ जाएगा, ए आठ बराबर, ठीक है, ऐसे तुम जब ए पांच बराबर रखो तो ये भी तुम्हारा पांच ही आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो भी कायम आएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या होती है, ठीक है, यदि एन बराबर हमसे सम संख्या रखवाता तो प्लस में आता आंसर, ठीक है, यदि एन बराबर कितना रखवा रहा हमसे विषम संख्या रखवा रहा तो माइनस में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरे का पहला खंड, यानी तीसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या करा, ए पांच का मतलब आपको स्वयं निकालना है, ठीक है, इसका तो देखिए तीसरा खंड करा, निम्न अनुक्रमों में से प्रत्येक के अगले पांच पदों को ज्ञात कीजिए, कितने अगले पांच पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो पहला खंड देखिए क्या है इसमें, ठीक है, इसके कितने पद निकालने हैं हमें, पांच पद निकालवा रहा हमसे, ठीक है ना, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सर्वप्रथम मैं लिखूंगा सॉल्व डाल दिया हमने पहले, ठीक है ना, मैं लिखूंगा सर्व प्रथम एन बराबर एक रखने पर, ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा देखिए यहाँ पर ये कंडीशन क्या है, यहाँ पर एन का जो मान आएगा या तो दो आएगा, ठीक है, या दो के बराबर आएगा, ठीक है, या तो देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए या तो एन का मान दो आएगा दो के बराबर, ठीक है, दो के बराबर, दो भी नहीं आएगा दो के बराबर, या तो दो से बड़ा आएगा, ठीक है ना, दो से बड़ा, या ये तुम्हारा चिन्ह बड़ा होता बड़े का होता है, ठीक है ना, एन का मान जो आएगा बड़ा आएगा, और इसमें क्या कर रहा है, और इसमें यह बराबर आएगा, ठीक है, ये जो होता तुम्हारा ये वाला चिन्ह ये बराबर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैं समझा देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, एक रखने पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए एन एन के स्थान कितना एक, ठीक है, बराबर ए एक माइनस का एक, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का कितना दो, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ए इसमें से निकालूंगा तो ए जीरो बच जाएगा और प्लस के दो, तो यहाँ ए जीरो का मान कितना होता है बताइए, ए जीरो का मान होता है तुम्हारा जीरो, कितना होता है जीरो, तो यहाँ पर जीरो नहीं मित्रों, ए जीरो का मान होता है, देखिए ए की पावर जब जीरो का फॉर्मूला होता है तो एक होता है इसका मान, ठीक है, एक, तो ऐसे ही एम इसका मान कितना जाएगा तुम्हारा एक और प्लस के दो, तो यहाँ पर ए बन बराबर कितना जाएगा, देखिए ए बन बराबर कितना जाएगा तीन, दो और एक कितना होता है तीन, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए दो बराबर, क्योंकि हमें एन के स्थान पर आपका क्या रखना है, एन बराबर रखना है दो रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर ए दो बराबर, ठीक है, मैंने इस वाले में आपके एन के स्थान पर दो रख रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर ए दो माइनस का एक, ठीक है, और यहाँ पर प्लस के दो, ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए ये सापेक्ष में लिखा हुआ मित्रों, ठीक है, यहाँ पर सापेक्ष में एक की जो इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए दो में से जब एक जाएगा तो ए बन एक एक आ जाएगा, यहाँ पर प्लस के दो, ठीक है, अब इसका ए बन का मान देखिए, ए बन बराबर कितना आया, ए बन बराबर तीन आया अपना, ठीक है, तीन, तो यहाँ पर मैं तीन रख दिया, इसका मान रख दिया ए इसका मान, ठीक है, ए बन का मान मैंने ऊपर से देख लिया यहाँ से, ठीक है ना, ए बन का मान, ए बन तो तुम्हारा ए बन, तो यहाँ पर ए बन की जगह मैंने क्या रखा, ए बन का मान रख दूंगा यहाँ से देख करके, ठीक, तीन तीन और दो कितना जाएगा पाँच, ठीक है, ए दो का मान कितना जाएगा पाँच, ठीक है, और एन बराबर कितने रखने पर तीन रखने पर, तो यहाँ पर कितना जाएगा
ए तीन बराबर है तो कितना, ए तीन माइनस का एक और प्लस के दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, ए दो प्लस के दो, यहाँ पर तीन में से जब दो जाएंगे, तीन में से जब एक जाएगा दो बच जाएगा, तो ए दो का मान देखिए यहाँ पर इसमें से देखिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, जब ए दो का मान कितना देखिए ऊपर से पांच है, यहाँ पर पांच प्लस के दो, तो ए तीन बराबर कितना जाएगा सात आ जाएगा, ठीक है। ए दो बराबर कितना आएगा तुम्हारा सात, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए कितने पद हुए अभी, एक दो तीन, कितने निकलवा रहा पद, कितने निकलवा रहा पांच निकलवा रहा है, ठीक है। अब ए तीन आपको ये खुद निकालना है, ठीक है, ये खुद यहाँ से आएगा खुद निकालना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। आपके एन के स्थान पर तुम कितने रखने पर, एन बराबर चार रखने पर, ठीक है। जैसे ही तुम चार करोगे तो एन तीन का मान भी रख लेना उस जगह, ठीक है। देखिए दूसरा खंड करता हूँ मैं क्या है इसका, ये देखिए मैं खुद ही करा देता हूँ, ठीक है। एन बराबर चार रखने पर, एन बराबर चार रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए चार बराबर ए चार माइनस के एक प्लस के दो, यहाँ पर देखिए ए तीन और यहाँ पे प्लस के दो, तो ए तीन का मान देखिए कितना आया था अपना सात आया था, मैंने सात प्लस के दो, तो यहाँ पर कितना जाएगा नौ हो जाएगा, ठीक है। ए चार आपका पांच रख देंगे, ए एन बराबर कितना पांच रखने पर, एन बराबर पांच रखने पर, तो ए पांच बराबर ए पांच माइनस के एक प्लस के दो, ठीक है। तो यहाँ पर एन के स्थान कितना ए चार प्लस के दो, यहाँ पर इसका मान ए चार का मान देखिए कितना, ए चार बराबर कितना नौ, नौ प्लस के दो कितना जाएगा ग्यारह, ए पांच बराबर, ठीक है। ये इसके आंसर हो जाएंगे, एक जगह लिख देंगे, ठीक है ना। आते हैं डाल करके यहाँ पर आते हैं, ए वन कोमा ए टू कोमा ए थ्री कोमा ए चार कोमा ए पांच बराबर, यहाँ पर सबके मान रख दूंगा। देखिए पहला का मान कितना अपना, यहाँ पर कितना तीन है, फिर कितना अपना पांच है, फिर कितना है सात है, फिर कितना तुम्हारा नौ है, फिर कितना तुम्हारा ग्यारह, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दूसरे, तीसरे का पहला खंड देखिए, तीसरे का दूसरा खंड देखिए, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, एन का जो मान आएगा दो से बड़ा ही बड़ा आएगा, ठीक है। जैसे हमने पहले लिखा था यहाँ पर बराबर का निशान था और यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे होंगे पहले तीन, उसकी जो आंसर आया था ए वन का तीन आया था, फिर पांच आया था, सात आया था, नौ आया था, ग्यारह था आया था, यानी कि एन से बड़े, यानी कि दो से बड़े ही बड़े आए थे, ठीक है। इसका मतलब यही होता है इससे बड़े ही बड़े आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक है। हमें केवल दो से बड़े ही बड़े आएंगे, बराबर भी नहीं आएगा, ठीक है। मैंने सोल्व डाल दिया है, ठीक है ना। मैं लिखूंगा सर्वप्रथम, सर्वप्रथम एन बराबर एक रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एन के स्थान पर एक रख दिया मैंने बराबर, तो यहाँ पर ए एक माइनस का एक माइनस के तीन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ए जीरो माइनस के तीन, तो यहाँ पर ए जीरो का मान एक माइनस के तीन, यहाँ पर माइनस के दो आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ए जीरो का मान कितना होता है एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए वन बराबर कितना आएगा, ये आ चुका है, ठीक है ना। एन बराबर कितना दो रखने पर, एन बराबर दो रखने पर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एन के स्थान पर मैं क्या रख दूंगा, ए दो बराबर एन के स्थान पर क्या रख दिया मैंने, दो रख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ए दो माइनस का एक माइनस का तीन, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए, तो यहाँ पर ए वन दो में से एक जाएगा तो एक बच जाएगा और माइनस का तीन, तो यहाँ पर ए वन का जो मान है कितना माइनस के दो और माइनस के तीन, तो यहाँ पर माइनस कितने हो गया तुम्हारा पाँच आ जाएगा, ए दो बराबर माइनस के पाँच। इसी प्रकार से देखिए ए यानी कि एन बराबर, तो देखिए यहाँ पे इसका हम गलत अर्थ बता चुके हैं मित्रों। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा है एन का जो मान आएगा, आएगा नहीं मित्रों, एन का जो मान हमें लेना है दो से बड़ा ही बड़ा लेना है, ठीक है। तो एन का जो मान यहाँ पे ले रहे हैं हम दो से बड़ा लेंगे, तो एन बराबर कितना लेंगे हम सर्वप्रथम, एन बराबर कितना लेंगे, या तो दो तीन ले लेते हैं, कितना तीन, तो एन का मान यहाँ पर मैं तीन ले लूंगा, तो यहाँ पे देखिए तीन, यहाँ पर कितना तीन, क्यों, इसका अर्थ ये होता है मित्रों, यहाँ पर जो हम मान लेते हैं ये सर्वप्रथम मैंने जो लिखा है एन बराबर तीन लेने पर, क्योंकि एन का मान यहाँ पर दो से बड़ा लेना है, ठीक है, दो से बड़ा लेना है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैंने एन के स्थान पर क्या तीन रख दिया, यहाँ पर तीन, तो ए तीन, तो यहाँ पर दो में से जब एक दो, तीन में से जब एक जाएगा तो दो बच जाएंगे, तो ए दो, ए दो का मान देखिए ऊपर से कितना, ए दो बराबर कितना दो है, तो यहाँ पर दो, और ये तुम्हारा तीन, जब जब ये दो में से तुम्हारा तीन जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा एक बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर एक बचेगा, ठीक है, ठीक है ना। अब एन बराबर कितना ले लेंगे हम आपका तीन ले लेंगे, कितना तीन रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तीन रख दिया, जब तीन में से जब तुम्हारा कितना जाएगा बताइए, यहाँ पर तीन नहीं, तीन तो हम ले चुके हैं, यहाँ पर एन बराबर एन के स्थान पर कितना लेंगे हम चार ले लेंगे, ठीक है, कितना चार, कितना चार, ठीक है। तो मैंने एन के स्थान पर कितना ले लिया चार, जब चार में जब जाएगा तीन, तो ये तीन, ये तीन का मान देखिए कितना अभी हमने निकाला, ये तीन बराबर कितना निकाला था हमने, देखिए ये तीन बराबर यहाँ पर, तो ये तीन का मान कितना माइनस का एक आया था, यहाँ पर माइनस का मैं एक रख दूंगा, यहाँ पर माइनस का एक, तो यहाँ पर माइनस का एक और ये तीन माइनस के चार हो जाएगा, ठीक है, माइनस के चार, ठीक है। और देखिए आगे को, और आपका देखिए एन के स्थान पर, तो यहाँ पर एन के स्थान पर देखिए आपको क्या लेना है,
एन बराबर कितना, देखिए यहाँ पर चार रख लिया हमने, अब अगर पांच रख लूंगा, पांच रखने पर ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एन के स्थान पर जहाँ पांच रख दूंगा, देखिए ए पांच बराबर ए पांच माइनस का एक माइनस के तीन, ठीक है, तो ए पांच, पांच में जब एक जाएगा यहाँ पर पांच बचेगा तो चार बच जाएगा और माइनस के तीन, तो ए चार का मान देखिए यहाँ पर इतना, ए चार यहाँ पर देखिए ये दो नहीं मतलब यहाँ पर चार है, ये कितना है, ये ए चार चल रहा था, ए चार बराबर इतना चार है, तो यहाँ पर माइनस के चार ले लिया, माइनस के तीन, तो यहाँ पर माइनस के कितना सात बच गए, ठीक है, ए पांच बराबर, ठीक है ना, ऐसा ही तुम्हारा देखिए ए यानी कि एन बराबर पर एन बराबर देखिए पांच ले लिया, आपका छह ले लेंगे हम, ठीक है ना, तो यहाँ पर ए छह बराबर यहाँ पर कितना देखिए ए छ माइनस का एक और माइनस के तीन, तो यहाँ पर देखिए छह में जब एक जाएगा तो ए पांच बच जाएगा, ए पांच माइनस के तीन, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना बच जाएगा बताइए, यहाँ पर बच जाएगा तुम्हारा यहाँ पर ए पांच, ए पांच है तो ए पांच का मान देखिए कितना सात, तो माइनस के सात और माइनस के तीन, तो माइनस कितना बच जाएंगे, यहाँ पर माइनस के दस जाएंगे, ए छह बराबर, ठीक है ना, ऐसे ही ए सात निकाल सकते हैं आप, ठीक है, तो ए सात का मान निकाल सकते हैं, क्यों क्यों निकालेंगे, क्योंकि मतलब हम सब कितना मान निकलवा रहा था, वो कह रहा था हमसे अगले पांच पद निकलवा रहा था, एक निकाला ये, दो ये निकाला, तीन ये निकाला, चार ये निकाला, ये एक आप सब निकाल सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है, मैं देखिए लास्ट का क्वेश्चन और करा देता हूँ इसका ही, तीसरे का लास्ट खंड, तो यहाँ पर देखिए मैंने तीसरा खंड ये है, ठीक है, तो मैंने दे रखा ए वन बराबर तीन, ठीक है, और यहाँ पे ये सवाल दे रखा तुम्हारा, इसमें दे रखा एन का जो मान है एक का, एन का जो मान है एक से बड़ा ही बड़ा रखा जाएगा, ठीक है, एन का जो मान रहेंगे हम एक से बड़ा ही बड़ा रहेंगे, तो एक के बाद में दो तो मैं लिख दूंगा एन बराबर दो रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर ए दो बराबर कितना तीन, और यहाँ पर ए दो माइनस का एक और प्लस माइनस का प्लस का एक, ठीक है, मैंने इस वाले में ये जो तुम्हारा सवाल है इतना, तो इसमें एन के स्थान पर क्या रख दिया मैंने, दो रख दिया, ठीक है, दो रख दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए तीन ए यहाँ पर जब दो में से एक जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा बताइए, एक बच जाएगा, ठीक है, दो में जब एक जाएगा तो एक और प्लस का एक, ठीक है, तीन गुणा ए वन का मान देखिए ए वन बराबर इतना, ऊपर से यहाँ पर देखिए ए वन बराबर इतना तीन है, तो यहाँ तीन रख दिया प्लस ए, ए वन के स्थान पर क्या रखे तीन ऊपर से रखवा आराम से, ठीक है ना, तो तीन तीन नौ और प्लस का एक बराबर जाएगा दस हो जाएगा, ठीक है ना, ए टू बराबर ये जाएगा तुम्हारा ए टू का, इसी प्रकार से एन बराबर ना तीन रखने पर, ठीक है, तो एन के स्थान पर देखिए यहाँ पे इस वाले में, तो यहाँ पे ए तीन बराबर तीन और यहाँ पे कितना ए तीन माइनस का एक और प्लस का एक, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीन और यहाँ पे ए दो प्लस का एक, ठीक है, तो यहाँ पर तीन गुणा ए दो का मान देखिए, ए दो का मान ये दस, दस प्लस का एक बराबर दस या तीस, तीस प्लस के एक तो कितना जाएगा इकतीस हो जाएगा, ठीक है ना, ये तीन का मान, ठीक है, दो मैंने निकाल दिए, ठीक है, तीन आपको खुद निकालनी है स्वयं, ठीक है, इस तरीके से करते रहना, क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट का क्या है, तो मित्र दो मैंने आंसर निकाल दिए, एक दो, अब तीन चार पांच यानी कि आपका ए बराबर कितना रख देंगे, चार रख देंगे, ठीक है, एन बराबर कितना रख देंगे, चार, फिर एन बराबर पांच, फिर एन बराबर छह, ठीक है, इनके पांच आंसर लाने हैं, कितने लाने मित्रों, पांच आंसर लाने हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, देखिए मैं पढ़ता हूँ, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, ये कह रहा माना एक अनुक्रम निम्न रूप में परिभाषित है, ए बराबर एक और ए दो बराबर एक, ठीक है, तो इतने इतने का मान ज्ञात कीजिए, देखिए एन बराबर एक दो तीन रखने के लिए, तो ए इतने इतने का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट का, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सर्वप्रथम मैं क्या रखूंगा, देखिए एन का जो मान हमें रखना है, देखिए इसमें सवाल में क्या क्या कर रहा है हमसे, एन बराबर क्या रखवा रहा है हमसे, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ रखवा रहा है, ठीक है, तो मैं एन बराबर एक रखने पर, तो यहाँ पर एन के स्थान पर देखिए एक रखने पर, तो एक, तो यहाँ पर देखिए एन के स्थान पर हम एक एक नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है एन का मान जो होना चाहिए तुम्हारा दो से बड़ा ही होना चाहिए, यहाँ पर देखिए एन का जो मान है यहाँ पर दो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन दे रखे, तो दो एन के स्थान पर क्या रख लेंगे बताइए, तीन रखते हैं सबसे पहले, क्या रखते हैं, तीन रखते हैं, ठीक है, तो ये जो कंडीशन दे रखे तुम्हारी पहले वाले के लिए दे रखे, कौन से वाले के लिए, देखिए ये जो कंडीशन दे रखे हैं इस वाले के लिए दे रखे, कौन से वाले के, ये यहाँ पर ये कंडीशन जो दे रखी थी यहाँ पर ए एन बराबर, देखिए ए एन बराबर यहाँ पर दे रखा तुम्हारा ए एन माइनस का एक और प्लस के ए एन माइनस के दो, इसके लिए दे रखे कंडीशन, यहाँ एन का जो मान रखा जाएगा इसमें दो से बड़ा ही बड़ा रखा जाएगा, ठीक है, पहले इस चीज के लिए इस वाले को हल कर देते हैं पहले, ठीक है, इस चीज वाले को हल कर देते हैं, यहाँ पर एन का मान जो रखेंगे हम यहाँ पर दो से बड़ा रखेंगे, ठीक है ना, तो मैं एन बराबर का रखूंगा तीन रख देता हूँ, ठीक है, तीन रखने पर, ठीक है, इस वाले में, तो यहाँ पर देखिए ए तीन यहाँ से सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर ए तीन रख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए तीन माइनस का एक प्लस यहाँ पर इसके स्थान पर देखिए ए तीन माइनस के दो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए दो प्लस ए वन, ए दो का जो मान है अपने देखिए ऊपर से क्या है, ए दो बराबर कितना एक है प्लस ए वन का मान देखिए कितना एक है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दो हो जाएगा, ए तीन बराबर कितना हो जाएगा एक, तो यह आएगा तुम्हारा, ठीक, ऐसा ही सेम देखिए फिर क्या रखेंगे ए सॉरी एन बराबर कितना, अब हमने क्या रखा था तीन, अब चार रख लेंगे, ठीक है, ए चार बराबर देखिए
ए चार बराबर देख, ए एन चार बराबर, यहाँ पर देखिए ए चार माइनस का एक प्लस, यहाँ पर ए चार माइनस के दो, यहाँ पर देखिए ए तीन प्लस ए दो, तो यहाँ पर ए तीन का मान देखिए कितना, ए तीन, ए तीन बराबर कितना आया था, मैंने दो निकल गया तो मैंने दो रख दिया, प्लस ए दो बराबर कितना देखिए एक, तो कितना जाएंगे तीन आ जाएगा, ए चार बराबर कितना आएगा अपना ये आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा ए यानी कि एन बराबर पांच रखने पर, पांच रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर ए पांच बराबर ए एन माइनस का एक प्लस, तो यहाँ पर एन के स्थान पर देखिए यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं रख देता हूँ यहाँ पर पांच प्लस, यहाँ पर कितना पांच माइनस के दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए चार, क्योंकि पांच बजे गए चार बज गए, प्लस यहाँ ए पांच में से यहाँ पर तीन बच जाएंगे, ठीक है, पांच में दो निकालते हैं। यहाँ पर ए चार का जो मान है, ए चार का मान देखिए कितना अपना, ए चार बराबर तीन आया, तीन प्लस के ए तीन का मान देखिए कितना, ए तीन का मान दो आया, तीन दो कितना आएंगे पांच आ जाएंगे, ठीक है। ए पांच बराबर कितना जाएगा पांच, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये आ चुका, देख लेना आप, ठीक है ना, यहाँ पर देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर ये हमसे क्या करा, तो जहाँ अब दूसरे के लिए देखिए क्या करा, तो कह रहा है जहाँ एन का मान कितना है दो से बड़ा है, एन का जो मान है दो से बड़ा लेना है, ठीक है। तो कह रहा है तो एन बराबर एक दो तीन के लिए, एन बराबर एक, मैं यहाँ पर अब डाल देता हूँ, अब एन बराबर एक कोमा दो कोमा तीन कोमा चार के लिए, के लिए किसका मान ज्ञात कीजिए, देखिए इस वाले का, पहले का जो मान तुम्हारा ए एन प्लस के एक और यहाँ पर ए एन का मान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा बराबर क्या, ये बात कर रहा है, ठीक है ना। तो मैंने यहां से देखिए n बराबर एक रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर a एक प्लस के एक बटे कितना a एक बराबर, ठीक है, ये चीज आएगी तुम्हारी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर a दो, a का एक कितना जाएंगे दो, और यहाँ पर a वन, a वन, तो इसका हम मान रख लेते हैं, a दो कितना, देखिए यहाँ पर मैं रख देता हूँ, देखिए a दो बटे a वन बराबर, तो यहाँ पर देखिए a दो का मान कितना अपना बताइए, यहाँ पर ए दो का मान कितना बताइए, यहाँ से देखिए ए दो बराबर हमने निकाला था, यहाँ पर निकाला है वैसे भी हमारे पास में ए दो का मान कितना है अपना एक है, बटे ए वन का मान, देखिए ए वन का मान कितना एक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक ही आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से पुनः निकालता हूँ, देखिए एन बराबर कितना दो रखने पर, एन बराबर दो रखने पर यहाँ पर रखवा रहा है, ठीक है, यहीं से मान देख रहा हूँ, ठीक है। इस वाले में जो रखना पहले एक रखना, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ठीक है, सबके मान निकाल लेते हैं। तो कौन से वाले में रखना था हमें, इस वाले में रखना बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर ए दो माइनस का एक, सॉरी माइनस नहीं प्लस है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ए दो, तो यहाँ पर ए दो प्लस दो और एक कितना जाएगा तीन, तो ए तीन और बटे कितना ए दो, तो यहाँ पर ए तीन और दो का मान देखिए, ए तीन का मान कितना अपन देखिए, ए तीन का मान अपना निकाला था दो आया था, और ए दो का मान कितना है एक, तो यहाँ पर कितना जाएगा दो ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एन बराबर कितना तीन रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए तीन प्लस का एक, और यहाँ पर ए वन, ठीक है, यहाँ पर रख रहा हूँ मैं मान बार बार, ए तीन प्लस के वन, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए तीन रख कितना है, ए चार प्लस के ए वन, तो ए चार का जो मान है अपना बताइए, ए चार का मान कितना आया था अपना, ए चार बराबर तीन, तो तीन बटे, यहाँ पर देखिए एन बराबर तीन है, मतलब यहाँ पर कितना तीन, तो यहाँ पर ए तीन का जो मान आया था अपना, ए तीन बराबर कितना देखिए, ए तीन बराबर कितना दो, तो यहाँ पर एक आंसर भी आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पर एन बराबर कितना रखने पर, एन बराबर चार रखने पर, यहाँ पर एन बराबर, एन बराबर का देखिए, देख लीजिए आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ एक बार, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो एन बराबर आपके कितना रखने पर, चार रखने पर, एन बराबर चार रखने पर, तो यहाँ पर इस वाले में एन के स्थान क्या रख देंगे हम, चार रख देंगे, देखिए तो यहाँ पर रख देता हूँ, देखिए एन बराबर कितना रखने पर, एन बराबर चार रखने पर यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ए चार प्लस के एक बटे कितना देखिए ए चार बराबर, देखिए चार बटे कितना जाएगा ए पांच बटे कितना ए चार, तो इसका जो मान आ जाएगा यहाँ पर मान रख रहा हूँ, मान देखिए ए पांच का जो मान अपना, ए पांच बराबर कितना आया था पांच, और बटे ए चार का मान जो आया था कितना आया था तीन, एक आंसर ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके हम संपूर्ण प्रश्नावली को हल कर चुके मित्रों, यदि वीडियो हमारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना मित्रों। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।